हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द न्यू रिक्रूटमेंट जो कि इन्फोसिस की तरफ से निकाली गई है। तो ये लिंक्डइन प्रोफाइल पे है अभिषेक शर्मा, इन्होंने एक पोस्ट किया है ये, डियर कैंडिडेट इन्फोसिस इज हायरिंग इंजीनियर डिप्लोमा, ओके डिप्लोमा बीएससी बीसीए कैंडिडेट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएटिंग इन 2019-2020 and 2021-22 बैच। इन बैसे जो भी अभी परसुइंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है, फॉर द रोल ऑफ सिस्टम इंजीनियर एंड ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, ओके। इन दो प्रोफाइल के लिए तो बीएससी एंड बीसीए कैंडिडेट कैन रजिस्टर ऑन दिस लिंक एंड इंटरेस्टेड डिप्लोमा कैंडिडेट कैन रजिस्टर ऑन दिस लिंक एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट रजिस्टर कैन दिस लिंक, ओके। द लास्ट डेट रजिस्टर 1 मई, तो लास्ट डेट ज़्यादा नहीं है, 1 मई तक लास्ट डेट है, ओके। और इसमें क्या दिया है, आपका जो सीटीसी रहने वाला है वो 3.6 एलपीए फॉर सिस्टम इंजीनियर एंड जो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव है वो 2.2, ओके। रिक्रूटमेंट क्या क्या है, आपको कोई नो एक्टिव बैकलॉग आर अलाउड, कैंडिडेट शुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड गिवन एग्जाम एंड इंटरव्यू इन द इन्फोसिस लिमिटेड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे समझ लो इसको। ये इन्होंने 3 मंथ क्राइटेरिया रख दिया है, यदि आपने लास्ट 3 मंथ में इनका एग्जाम, देखो और का मतलब होता है या, ठीक है, एग्जाम या फिर इंटरव्यू, आपने एग्जाम में और इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया है, ओके, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। ये साफ बोल दिया इन्होंने, कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड, यदि आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, इनका एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर इंटरव्यू नहीं दिया है इन द इन्फोसिस लिमिटेड एंड इन्फोसिस ग्रुप कंपनी, ओके। सिलेक्शन प्रोसेस इन लास्ट थ्री मंथ में यदि आपने इनका एग्ज़ाम और इंटरव्यू नहीं दिया है तो आप इसमें एलिजिबल हो। और जो 60% होना चाहिए आपका एकेडमिक इन ऑल एकेडमिक साइंस 10th, मतलब 10th से लेके अब तक 60% होना चाहिए आपका सब में। और क्या क्या है देख लें एक मिनट, तो ये नॉर्मल सी डिटेल है। अब और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके डायरेक्ट अप्लाई कर देना, मास हायरिंग है और काफ़ी बल्क में, ठीक है। तो एक और बताने जा रहा हूँ इसमें हायरिंग, वो है टीसीएस की तरफ से। इसमें 2022 मतलब 2020 से 2022 तक के बैच के कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 मई एंड 60% क्राइटेरिया आईटीपी हायरिंग है, ठीक है। तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके डायरेक्ट अप्लाई कर देना। देखो जो टेक्निकल जॉब अपडेट होती हैं, जैसे बीटेक से हो गई, ठीक है, बीसीए से हो गई, इस तरह की जॉब अपडेट में डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहीं कर देता हूं, ठीक है। इनकी जो वीडियो है वो ज़्यादा कम बनाता हूं, जो मास हायरिंग होती है वही, तो ये भी एक मास हायरिंग है, तो ज़रूर अप्लाई करना। और अगर जुड़ सको तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक अप्लाई कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।